हाँ जी मारिया, आज हमने वो करना है अपना, सॉरी, फीटस, एनोमलस फीटस, प्रेगनेंसी विद एनोमलस फीटस। जी मारिया यस जी, मैम। कोई अगर आपके पास है केस या कुछ ऐसा तो हम वो कर लेते हैं, अदरवाइज हम कुछ छोटे छोटे शॉर्ट केसेस बना के 3-4 सिनेरियोस कवर कर लेते हैं, यस मैम, सिनेरियोस करते हैं। सिनेरियोस करते हैं। ऑल राइट, सो टू बिगिन विद, आई थिंक कॉमनेस्ट इज हाइड्रोकेफेलस। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, वो इन जनरल भी एंड पे समराइज मैं कर दूंगी, बट अगर इंडिविजुअल एनोमलीज के हिसाब से किया जाए, वी आर नॉट डूइंग द थ्योरी, वरना थ्योरी में तो बहुत कुछ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ही वैसे बुक्स या वाइवा में भी आपको आना चाहिए, रिकरेंस एंड द इंसिडेंसेस, ये तो सबसे पहली चीज है। और नॉट ओनली फॉर एग्जाम, बल्कि आप अगर क्लिनिकली या प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाओ तो पेशेंट का सबसे पहले सवाल ये होता है कि अच्छा ये बीबी को हो गया कॉज एटसेट्रा, एंड इवेंचुअली एक बहुत अहम सवाल ये होता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या चांस होगा। सो रिकरेंस जरूर कर लो कि क्या है, बाकी तो जाहिर है हम बाकी सारी बात करेंगे अबाउट द मैनेजमेंट एंड ऑल डायग्नोसिस एटसेट्रा, बट इसमें आपको रिकरेंस के इंसिडेंसेस पता होने चाहिए, स्पेशली इम्पॉर्टेंट इनोमलीज की। इम्पॉर्टेंट इनोमलीज में आई वुड से हाइड्रोकेफेलस तो है ही, स्पाइना बाइफिडा भी है, और माइक्रोकेफली, केफेलोसील और डेंडी वॉकर, दीज आर, ये थोड़ा कंपैरेटिवली कम वो कॉमन है, लेकिन हाइड्रोकेफेलस एंड स्पाइना बाइफिडा तो है ही, और एन एन कैफिली भी समहाउ, जो स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट्स में, अगर आपको ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में, बट देन कार्डियक एनोमलीज में भी आपको पता होना चाहिए, स्पेशली द रिकरेंस ऑल्सो। तो ये दो तीन चीजें हैं जो स्पेशली आपको शॉर्ट केसेस के लिए जरूर पता होनी चाहिए। और एज अ होल कोई एक अननोन एनोमली भी आ जाए तो एटलीस्ट आपको एक पैटर्न, एक तो पता होना चाहिए एनोमली है क्या, दूसरा ये कि आपको एज अ होल अगर एक आपके माइंड में इमेज बना हुआ है कि आपने प्रेगनेंसी विद एनोमलस फीटस को किस तरीके से लेके जाना है, तो मे बी आपको अगर एकदम से बहुत रेयर वाली एनोमली आ गई है जिसकी मे बी आपको उस तरह से नॉलेज नहीं रही याद, मतलब जो आपने थ्योरी के लिए पढ़ा था और उतना डिटेल्ड आपको बहुत ही कोई माइनर सी चीज भी आ गई है, तो अगर आपको एक पैटर्न बना हुआ है माइंड के अंदर टू डील विद द प्रेगनेंसी विद एनोमलस फीटस, तो आप एटलीस्ट 60 या 65% मार्क्स उस स्टेशन में स्कोर कर लोगे, विच इज द पासिंग मार्क। हाँ, हाउ एवर, लाइक हाइड्रोकेफलस या कोई कार्डियक एनोमली जिसकी आपको डिटेल्स पता हो, उसमें तो ऐसी तैयारी के 70% अबव हो, लेकिन अगर आपको एनोमली के बारे में बहुत ज्यादा नहीं भी पता, तो सिर्फ आप अगर उसका एक पैटर्न भी आपको पता है अबाउट द मैनेजमेंट, और वो आप अच्छी अच्छी बातें बीच में बोल भी दोगे, तो यू कैन स्कोर एटलीस्ट 60% या पास हो जाओ कम से कम, मतलब फेल नहीं फिर होने की जरूरत रह जाती। तो ये वाली चीजें जरूर आपने करनी है। हाँ जी, बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, एनुअल कैरी है, बहुत ज्यादा है, ये लिख रहे हैं चार्ट के ऊपर इसलिए। अच्छा, सो टू बिगिन विद, वी कैन स्टार्ट ऑफ विद द हाइड्रोकेफलस, उसके अंदर बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन्स है, एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, बहुत ही एक्चुअली प्रेगनेंसी विद एनोमलस। तो फर्स्ट सिनेरियो अगर हम करें कि ग्रेविडा 2 पैरा 1 है, प्रीवियस उसकी नॉर्मल डिलीवरी है, विद शी इज एट 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन विद एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शोइंग हाइड्रोकेफलस, हाउ विल यू गो अबाउट इट, हाउ विल यू मैनेज हर? जी मारिया, Yes, ma'am. First of all, I will introduce myself to the patient and take her introduction. After that, I will ask her about her previous baby, whether delivered normally or through cesarean section, and whether the baby is fine, and her last menstrual period, whether she's sure of her dates, and whether her cycles were regular. Then I will ask whether it was a pregnancy was a spontaneous or through ovulation induction, and whether planned, and how did she confirm her pregnancy. And after that, I will ask her about any excessive nausea, vomiting, and then I will ask fever with flu or rash.
And I will and an intake of folic acid, and then her blood pressure whether remained normal throughout, and then any increased thirst, appetite, or increased urinary frequency, and or whether any blood test for sugar like fasting or oral glucose or oral glucose tolerance test has been done, and then I will ask about any discharge till now, or any history of any urinary infection, and then I will ask her about regular visits and whether dating scan at 11 to 13 weeks, 13 plus 6 weeks was done, and whether the knuckle translucency was done, that was normal, and after that I will ask about the exact anomaly, what the patient knows. If the patient knows, then I will ask what kind of anomaly. If she tells me hydrocalf, I will ask this, what does she know that the doctor told her that it's mild, moderate, or severe, and I ask about Liker as well as placental localization. Then I'll ask her about any history of her drug intake, for example, any anti-epileptic drugs, and then the doctor said it's single or twins on scan, and then I will take a brief dietary history, whether she takes meat or is a pure vegetarian, and then I will ask about any family history or previous history of congenital anomalous babies, and then I will ask her about any symptoms, if she have, if the doctor told her about increased Liker. I will ask her about any personal history of diabetes, hypertension, or any cardiac anomalies, or any chronic illness, or in herself or her family, and any history of major minor surgical procedure, any history of her menstrual cycles, whether regular or whether regular, and whether she has done taken any contraception and prep smear, and I will ask her about any history of smoking or any illicit drug, or any allergy to any drugs, and then I will ask her about her socioeconomic history, whether she, and her relationship with her family, and any signs of depression. On examination, I will assess her BMI and any relevant findings in the general physical. Okay, good. Sorry, Maria, interrupted. Sorry. Acha, nahi, good. ठीक है, बट वही चीज है कि दिस इज नॉट द हिस्ट्री ऑफ अ लॉन्ग केस एनी मोर. ये शॉर्ट केस है जिसमें आपके पास 10 मिनट्स हैं, उसके अंदर ही आपने सारा कुछ करना है. इट इज नॉट अ स्मॉल सिनेरियो. ट्रीटमेंट इसकी सिर्फ एक छोटी सी थी, लेकिन इट इज अ लॉन्ग सिनेरियो. सबसे पहली चीज तो यही कि स्टेटमेंट अगर लंबी हो तो वो ज्यादा अच्छी स्टेटमेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है, एंड यू डोंट नीड टू रिपीट दैट इन्फॉर्मेशन इन योर हिस्ट्री. थोड़ा सा फर्क लॉन्ग केस और शॉर्ट केस में ये जरूर है कि आपने शॉर्ट केस में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना है. आपने ये चीज गौर से देखनी है कि आपको जो चीजें सिनेरियो में दी हैं वो हिस्ट्री में रिपीट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और एग्जामिनर को बोर नहीं करना. राइट, आपने इट्स नॉट ओनली द एग्जाम ऑफ योर क्लिनिकल जोन, मैं तो कहूंगी इट्स अबाउट योर स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल और प्रेजेंस ऑफ माइंड एज वेल, और दूसरे बंदे को एंगेज रखने का स्किल भी है. यानी एग्जामिनर जो आपको सुन रहा है, यू हैव टू कीप दैट पर्सन एंगेज्ड. आप उस चीज को रेपिटेशन इज नॉट एट ऑल, इसलिए जो लॉन्ग केस था उसमें आप फिर भी रेपिटेशन कर सकते थे, बिकॉज यू यूज टू हैव टाइम. आपके पास एक घंटा होता था उस एक सिनेरियो को जस्टिफाई करने के लिए, आप बस 10 मिनट है, उस 10 मिनट में ही आपने उस चीज को करके गुजरना है. सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, आपके फिंगर टिप्स पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इन अ वे दैट यू आर नॉट रिपीटिंग थिंग्स विच इज गिवन इन द सिनेरियो. आपके मारिया के को जो मैंने सिनेरियो दिया, इट वॉज वेरी स्मॉल. स्मॉल सिनेरियोज आर डिफिकल्ट फॉर अ शॉर्ट केस. उसमें इंफॉर्मेशन कम दी होती है, उसके अंदर ना मैंने ब्लड ग्रुप दिया, उसके अंदर ना मैंने कुछ भी. और शायद आपको एक एनोमलस फीटस के सिनेरियो में उन्होंने जेस्टेशन तो चलो मैंने दे दिया, श्योर ऑफ डेट्स भी फॉर एग्जाम्पल कह देती, नहीं भी कहा तो मारिया ने अच्छा किया उसकी डिटेल में चली गई के डेट्स कंफर्म, विच इज इम्पोर्टेंट. हाउएवर इसके अंदर आपको उन्होंने कजन मैरिज मेंशन की हो सकती है, ये हो सकता है कि प्रीवियस बेबी उसका नॉर्मल था या नहीं था,
एटसेट्रा एटसेट्रा, जो चीजें मेंशनड है वो चीजें आप रिपीट नहीं करोगे, बिकॉज इट विल बी मेंशनड इन द सिनेरियो एंड एग्जामिनर आल्सो नोस दैट दैट नाउ यू नो एग्जैक्टली कि वो उसका क्या जवाब है आपके सवालों का. सो यस, दिस वाज अ स्मॉल सिनेरियो, एक तरीके से अच्छा मारिया लेके गई. यस, एज ऑफ द पेशेंट वाज इंपॉर्टेंट. इसके अंदर क्या क्या चीजें एनोमलीज को लेकर इंपॉर्टेंट थी, मोर और लेस मारिया ने कवर सारी चीजें की, लेकिन हैपहैजर तरीके से. इसमें थ्योरी नजर नहीं आ रही थी, जैसे कि कॉजेज 1, 2, 3 करके हाइड्रोकैफेलस के पॉसिबल कॉजेज माइंड में क्या है वो हैपहैजर थे. कहीं पे जाके ड्रग्स के हिस्ट्री की बात हो रही है और कहीं पे जाके स्मोकिंग और अल्कोहल की बात हो रही है, कहीं और पे जाके कजन मैरिज की बात हो रही है, कहीं और पे जाके फैमिली में एनोमलस बेबीज की बात हो रही है. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ केस, इट्स अ पेशेंट हु हैज कम विद एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ऑफ हाइड्रोकैफेलस. उसके अंदर 2-3 चीजें, सॉरी मैं आप लोगों को म्यूट करूंगी सबको, उसके अंदर 2-3 चीजें जो आपको सिस्टमैटिकली कवर करनी है. स्पेशली देखो एग्जामिनर क्या सुनना चाहता है, वो अगर सिस्टमैटिकली नहीं चलोगे तो प्रैक्टिकली भी इन योर क्लिनिक यू विल बी मिसिंग द पॉइंट्स. उसके अंदर यस ओके शी नोस कि ये हाइड्रोकैफेलस है. अगर आप अल्ट्रासाउंड वो चीज़ें आपने बहुत अच्छी की, बिकॉज एज ऑफ द पेशेंट वाज इंपॉर्टेंट, इसका एग्जैक्ट जेस्टेशन वाज इंपॉर्टेंट, नकल थिकनेस की मेजरमेंट इन द अर्ली ट्राइमेस्टर वाज इंपॉर्टेंट, एंड देन द एनोमली स्कैन. यहाँ पर अगर आप चल ही रहे थे कि अभी तक जो होता है प्रेगनेंसी में इन्वेस्टिगेट, तो उसमें यू कुड हैव आस्क्ड अबाउट अ सेकेंड स्कैन एज वेल फॉर द रिकन्फर्मेशन, के एक ही स्कैन के ऊपर तो नहीं वो हाइड्रोकैफेलस के, क्या उसके दोबारा कोई अल्ट्रासाउंड मतलब एक लाइक 2 रिपोर्ट्स हैं विद हाइड्रोकैफेलस मेजरमेंट क्या नहीं, एंड यस what she knows about the ultrasound that it's an isolated, but if you had said this ke I would like to know ke patient ko kya pata hai ke is it just the hydrocephalus or there are other anomalies as well, to wo aapki baat ko aur zyada behtar kar deta. Acha uske baad causes jab aap rule out kar rahe ho to it cannot be haphazard. Aap uske andar कजन मैरिज से स्टार्ट अगर कर रहे हो, देन देर आर मेनी कॉजेज. उसके अंदर तो हाई डोज वाइटामिन ए स्पेशली इन अर्ली ट्राइमेस्टर, देन एंटी एपिलेप्टिक्स, डायबिटीज. डायबिटीज को अगर आप एंड पे जाकर ना मेंशन करते कि शी इज हैविंग एनी क्रॉनिक इलनेस हाइपरटेंशन डायबिटीज, इट मींस कि आपने डायबिटीज को एनोमलस बेबी के साथ रिलेट करके नहीं बोला, आपने एक इन जनरल पूछा कि हाइपरटेंशन डायबिटीज वो तो नहीं. नहीं, इफ शी इज हैविंग डायबिटीज, इफ शी इज ऑन इंसुलिन और नॉट, ये चीजें क्या चेक अभी तक हुई भी है कि नहीं, बिकॉज शी इज एट 20 वीक्स, क्या पता अभी तक उसके कोई प्रॉपर टेस्ट हुआ. ये आप उसको यस यू मेंशन जीडीटी, बट आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से लेके चलो ना. इसी तरह आप उसका फिर इन्फेक्शंस, आपने इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कवर की जो कि हर पेशेंट में की जाती है, तो इसके अंदर तो कॉज बन गई ना एनोमलस बेबी के अंदर. इवन मैनेजमेंट में कितना आपको चेंज लाएगा अगर वो इन्फेक्शन की वजह से कोई एनोमली है, तो आपने ये सारा कुछ हिस्ट्री, एंड देन फैमिली के अंदर एनोमलस बेबीज वो कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है. तो ये सारी चीजें, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यस द प्रीवियस प्रेगनेंसी, के प्रीवियस प्रेगनेंसी में तो नहीं है इवन डायबिटीज इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर प्रीवियस में हुआ तो इस दफा भी तो डायबिटीज हो सकती है जो अननोइंगली हो, डायग्नोज ना हुई हो, एंड देन प्रीवियस बेबी की कोई एनोमली या कोई इवन IUGR एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अगर आप इसको एक पैराग्राफ बना के एक ही कंटिन्यूटी में ये सारी बातें कवर करते तो ये ज्यादा बेहतर हो जाता, ठीक है. एंड देन द रेस्ट, यस दिस वाज फाइन. इफ यू वांट टू मेंशन, जरूरत भी ज्यादा नहीं है कि आप बहुत डिटेल में जाओ अबाउट द प्रीवियस यू नो गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा. अगर चलो एक आधे मिनट में, लाइक यू नो मोर देन 30 or 40 सेकेंड्स में अगर आप उस चीज को कवर भी करना चाह रहे हो तो दैट्स ऑल राइट, बट आपके जो कंप्लीट 2 to 3 मिनट्स हैं, दिस शुड बी फोकस्ड ऑन अ प्रेगनेंसी विद हाइड्रोकैफेलस, विच मींस के आपने उसके अंदर इतने प्यारे तरीके, बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट केस, इसमें तो फोकस टू द इट मे बी एन इजियर पैटर्न नाउ, बट आई थिंक अगर आपके पास वो 10 मिनट में आपने उसी 1 घंटे वाले सिनेरियो को जस्टिफाई करके उठना है तो इट्स नॉट दैट इजी. ये उन लोगों का काम है जिनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थ्योरी है और जिनके फिंगर टिप्स पे है हिस्ट्री के पॉइंट, हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट के पॉइंट जिनके फिंगर टिप्स में है, वो ही निकल सकते हैं. बिकॉज फोकस्ड रहना जो है ना वो तभी पॉसिबल है जब आपने बहुत ज्यादा रिवाइज किया. आप पॉइंट्स तो सबको बना सकते हैं, लाइक इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन उसको यू नीड टू कीप ऑन रिवाइजिंग इट. व्हाई? उसकी वजह यह है कि ताकि वहां पे जब आप जाकर बैठो तो
खुद ब खुद ही आपको याद आएंगी चीजें, और ये इसी पैटर्न में, दिस इज व्हाट एग्जामिनर वांट्स टू हियर। आई थिंक आपने इसमें से 80% तो चीजें कवर की हैं, बट आपने इसमें जो कवर नहीं किया वो भी इसमें ऐड हो गया, लेकिन इसका एक पैटर्न है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री इन दिस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी वो आपने बता दी, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ हाइड्रोकेफेलस दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जामिनर ऑल्सो वॉन्ट्स नो, बट द पेशेंट उसका राइट है कि आप उसे बताओ कि क्या पॉसिबल वजह बनी हाइड्रोकेफेलस की, जो कि इस वक्त आपको उसके विजिट में हिस्ट्री एग्जामिनेशन से लग रहा है कि ये वजह हो सकती है। हाँ, अगर हिस्ट्री एग्जामिनेशन में नहीं है तो यस, इवन लेटर ऑन जब वो डिलीवरी के बाद या जब वो डिस्चार्ज होकर जाए तब आप उसको एटलीस्ट आप कहीं खड़े तो उसे बताने के लिए कि क्या वजह, और उसके बाद आप फर्दर उसके और कोई रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड टू दिस प्रेगनेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा वो कर सकते हो। ठीक है, चलो किसी ने अभी तक कुछ ऐड करना तो बता दो। चलो फिर एग्जामिनेशन। जी नाजिया मैडम, एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे अब ये ब्रेकिंग द बैड न्यूज है तो हम ये बात पेशेंट को शुरू में ही बता दें या पूरी पहले हिस्ट्री लें? पहले हिस्ट्री हम कैसे है? बैड न्यूज हम ब्रेक अभी कर ही नहीं सकते जब तक हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस नहीं है प्रॉपर। ठीक है ना, वी डोंट नो। उसका अल्ट्रासाउंड तो चलो एग्जामिनर बताएगा, चलो बता भी दिया या दिखा भी दिया, बट दैट्स जस्ट अ सिंगल रिपोर्ट। हम कभी भी इवन हम IUD अपने क्लिनिक पे भी देख लें स्कैन पे, और एक अल्ट्रासाउंड भी लेके आए पेशेंट जिसमें IUD, वी ऑलवेज गेट अ सेकंड ओपिनियन। सिमिलरली इफ पेशेंट हैज कम विद अ रिपोर्ट ऑफ एनोमलस बेबी ऑन अल्ट्रासाउंड, तो आप हमेशा उसका सेकेंड ओपिनियन लेते हो, ठीक है, और फिर आप उसको डिक्लेयर करते हो। सो आपने पहले हिस्ट्री लेनी है पूरी, उसके बाद हम सारे एग्जामिन इन्वेस्टिगेशन एंड काउंसलिंग में पहला पार्ट उसका ब्रेकिंग बैड न्यूज आएगा। ठीक है, ठीक है मैडम। अगर यही वाला सिनेरियो ब्रेकिंग द बैड न्यूज में आता, सॉरी काउंसलिंग सेशन में आता है कि हमने जो वो पेशेंट से सैमिलेटेड पेशेंट के साथ होता, फिर तो ठीक है, फिर तो उन्होंने आपको एक डायग्नोसिस दे दिया, फिर आपने देखो काउंसलिंग सेशन है और उसमें लिखा हुआ है यू हैव टू ब्रेक बैड न्यूज टू द पेशेंट, ठीक है ना, उसमें वो उसमें फिर टाइम नहीं वेस्ट करना। फिर आपने इंट्रोडक्शन कराना है, आपने अल्ट्रासाउंड करा देखना है, और एंड देन यू विल बिगिन। जाहिर है जैसे हम बैड न्यूज में या किसी भी डायग्नोसिस को ब्रेक करने में सबसे पहले पेशेंट से पूछते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट योर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ठीक है ना, फिर आप स्टार्ट करते हो। उसमें टाइम आप उसमें सारे मार्क्स आपके काउंसलिंग के हैं, उसमें डायग्नोसिस पे नहीं है। ये तो एक पूरा सिनेरियो है जिसमें हमने पहले डायग्नोसिस बनाना है फिर काउंसिल करना है। उसमें तो जब पेशेंट बैड न्यूज के सिनेरियो में आ गई है एग्जाम में काउंसलिंग के लिए, तो वो दो अल्ट्रासाउंड करा के डायग्नोसिस कंफर्म करा के आया हुआ। ठीक है मैडम, ठीक है, चले मारिया जी, अब एग्जामिनेशन बता दो। Yes, ma'am. I will examine her height and weight for BMI and vitals, any relevant finding in the general physical examination. And then I will examine her breast, cardiovascular, respiratory examination and per-abdominal examination. I will assess the fundal height and the Likert volume and if possible, the estimated fetal weight and fetal heart rate. And then I will move towards the investigations. I want her baseline investigation, which I want her blood group with RH factor, her complete blood count for date, in which I want her hemoglobin count, total leukocyte count, platelet count, her midstream urine examination, and fasting blood sugar 1 hour postprandial, and HBS, HCV, HIV. In specific investigations, I want her dating scan with knuckle translucency, and I want her anomaly scan. In anomaly scan, I want to know the exact anomaly and the exact size of the ventricles and cortical thickness and any associated anomaly, for example, spina bifida or any relevant, for example, cardiac abnormalities, and I want to know the amount of Likert. Apart from that, if the patient has history of any fever and flu or rash, I want torch screening as well. And I will counsel later on that if multiple anomalies, I will offer karyotyping to the patient. ठीक है, good. और किसी ने कोई investigation add करनी है?
आई थिंक इट वॉज गुड. जो बेबी विद एनोमलीज इन प्रेगनेंसी विद एनोमलस आ गए तो उसके अंदर एग्जामिनेशन में कुछ और खास है नहीं एक्सेप्ट कि शी इज हैविंग डायबिटीज और एनीथिंग एल्स. तालेकुम जी शंदाना. जी मैम, मैम ओजीटी की कर सकते हैं वो मैं अभी बताती हूँ. हाँ सो एग्जामिनेशन में तो अगर आप क्या ज्यादा फोकस रहो, आई थिंक मारिया ने सही कवर कर लिया कि यस लाइकर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एटसेट्रा एटसेट्रा. और बीएमआई भी ठीक है, ओबेसिटी का भी बड़ा रोल आ जाता है इसके अंदर वो सारा. एंड देन इन्वेस्टिगेशंस भी ठीक इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन. जीटीटी इज आल्सो गुड. खाली फास्टिंग और वन आवर पोस्ट प्रेंडियल नहीं होगा हमारी इसमें, या जीटीटी या इवन 20 वीक्स पे आप अगर एचबीए1सी मांगो तो वो ज्यादा बेहतर है, इवन बेटर देन जीटीटी. तो एच बी एवन सी अगर मांग लो तो वो बेहतर है, तो ताकि आपको लास्ट 3 मंथ्स के कंट्रोल का पता चल जाएगा. ठीक है, बाकी सब आई थिंक ठीक था. सो जी मारिया मैनेज करें. First of all, I will when if after the reports of 2 scans that I'll see, then I will ask my patient I will follow the steps of breaking bad news. I will ask my patient to bring her husband or anyone reliable person with her. So after that, I will discuss the report. Then I will tell the patient that her reports are not satisfactory according to the report. Ma'am, I want the size of ventricles or something if possible. अच्छा किसी ने चैट के ऊपर लिखा हुआ अल्फा फीटोप्रोटीन और टॉर्च. टॉर्च का जिक्र मारिया ने बिल्कुल ठीक तरीके से किया. अगर इस देखो टॉर्च का फायदा तब है जब ब्लू या एटसेट्रा एटसेट्रा किसी और मसले से आई है, चिकन पॉक्स या चिकन पॉक्स कहाँ से आ गया, वो मुझे एक और इन्फेक्शन की वजह से आ गया था कि करेंगे. अगर एक्यूट इस वक्त उसको फीवर फ्लू और रैश और उस किस्म की मसले लग रहे हैं एंड यू थिंक के टॉर्च, वरना टॉर्च की जरूरत पड़ती नहीं है इन ओनली पेशेंट हु हैज गॉट द स्कैन ऑफ अ हाइड्रोकेफेलस हाइड्रोकेफेलिक बेबी, लेकिन अदरवाइज नहीं. सो दैट्स व्हाई आपने अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस में भी देखा होगा कि वार्ड्स में की टॉर्च बहुत कम जरूरत पड़ती है कि आप कराओ. अल्फा फीटोप्रोटीन बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो ये मैनेजमेंट डिपेंड करेगी डायग्नोसिस पे. डायग्नोसिस आपका बन गया है हाइड्रोकेफेलस अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो फिर यू डोंट नीड टू गो अहेड विद फर्दर बायोकेमिकल मार्कर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. अच्छा असल में मेरे ना कंप्यूटर की बैटरी लो हो रही है, अभी खैर हुई नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो अल्लाह करे वरना मैं मोबाइल से बाद में बीच में इन बिटवीन कनेक्ट कर लूंगी अगर कुछ होता है. सो इस वजह से जो इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हमने की वो ठीक थी, स्पेसिफिक शुगर का एचबी1सी ऐड कर लो. मजीद बायोकेमिकल मार्कर्स ऐड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड इज मोर सेंसिटिव देन एनी अदर बायोकेमिकल मार्कर फॉर द डायग्नोसिस. और उसके अलावा टॉर्च का मारिया ने जिस तरह का बिल्कुल उसी तरह के अगर कोई आपको एक्यूट फीवर फ्लू की हिस्ट्री मिल रही है तो तब देख लेंगे. ठीक है, नॉट आरबीएस और एचबीए1सी फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायबिटीज डायग्नोसिस ओजीटीटी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, हम डायबिटीज का डायग्नोसिस नहीं कर रहे, हम एनोमलस बेबी की कॉज में डायबिटीज को रूल आउट करना चाह रहे हैं. हम इस वक्त डायबिटीज नहीं फाइंड आउट कर रहे, एच बी एवन सी विल टेल अस लास्ट 3 मंथ का कंट्रोल ऑन शुगर लेवल, सो दैट इफ लास्ट 3 मंथ्स में उसका ठीक नहीं है, दैट इज व्हाई शी हैज एंडेड अप इन अ इफ डायबिटीज की वजह से उसका एनोमलस हुआ है. सो एच बी एवन सी की यहाँ पर वैल्यू हो सकती है, और जाहिर है अगर एच बी एवन सी ठीक है और आपका इवन बी एस आर भी ठीक आ जाता है, देन यू डोंट नीड टू गो अहेड विद द ओजीटीटी. अगर आप एच बी वन सी नहीं कराना चाह रहे हो और सिर्फ ओजीटीटी कराना चाह रहे हो तो फिर आप बिल्कुल उसका फिर ओजीटीटी एडवाइस कर दो. ओजीटीटी विल डू 2 फंक्शंस एट अ टाइम. नंबर 1, इट विल बी बेटर एज अ डायग्नोस्टिक फॉर द डायबिटीज. नंबर 2, अगर ओजीटीटी नॉर्मल आ गया तो इट इज लेस लाइकली के कोई डायबिटीज इसकी प्रीवियसली भी चल रही थी. सो बोथ आर फाइन, लेकिन जो बात अभी किसी ने नाइस गाइडलाइन में लिखी वो बिल्कुल ठीक है, बट इट इज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, इट इज अ केस ऑफ एन एनोमलस बेबी. हम एनोमलस बेबी में डायबिटीज को ढूंढना चाह रहे हैं, सो उसमें एचबीए1सी का रोल आ सकता है. वाइटामिन, वो हमने बात की ना वाइटामिन ए की. किसी ने कहा एमनियोसिंथेसिस इज अ मस्ट. मस्ट वाली जो बात होती है ना यार, ये बहुत बड़ी बात होती है. जब भी आप मेडिसिन
में बात करते हो ना, या तो आप पेशेंट को ऑफर करते हो, या जब आपको लगता है पेशेंट के लिए बेहतर है तो आप कंसिडर करते हो. शुड बी और मस्ट वाली बात आती है जब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाए, या एब्सोल्यूट यानी क्या कहें कि द बेबी शुड बी डिलीवर्ड नाउ, उसका इस तरह का फीटल डिस्ट्रेस है कि इट्स अ मस्ट फॉर द बेबी टू बी डिलीवर्ड. So ये जितने harsh, you know, I would say it's a very strong word to say medicine के amniocentesis is a must. So ये जिसने भी so amniocentesis क्यों नहीं, amniocentesis कौन करता है मुझे बताओ. आपके पास एक patient 20 weeks पे hydrocephalus के साथ आई है तो ward में कितने patients का amniocentesis कराया जाता है इस वजह से? You should be very clear. एमनियोसिंथेसिस हम किस वजह से करते हैं? दो वजहों से. हमारे पास आ जाए लाइकर ताकि उसमें से हम सेल्स निकालें, नंबर वन उसकी जेनेटिक को स्टडी कर सकें, नंबर टू हम उसका कोई इन्फेक्शंस के लिए, अगर इन्फेक्शंस की हिस्ट्री नहीं है हमने नहीं कराया जेनेटिक स्टडी. जेनेटिक स्टडीज के लिए वी हैव टू डिस्कस विद द पेरेंट्स, वो डिपेंड कर रहा है. अगर तो वीआर पीओपी की तरफ जा रहे हो तो फिर एमनियोसिंथेसिस करके क्या हासिल हो रहा है? सो ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा ब्लंडर है. उसके बाद आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी परफॉर्म करो तो यू कैन नॉट पास. सो वो तो अभी आगे मैनेजमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या करना है और किस तरीके से करना है और क्या आगे फर्दर. कैरियोटाइपिंग का हल्का सा जिक्र मारिया ने किया, इन्वेस्टिगेशंस अच्छी बोली वैसे मारिया ने. सो उतना जिक्र फिलहाल काफी है. हम अभी काम कर रहे हैं अपने अपने रिसोर्सेज और अपने कंट्री में. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज दैट हाई रिस्क इज टेलिंग अस. यू नो हाई रिस्क जो किताब है उसके अंदर जो जो मेंशनड है, उस सर्कमस्टेंसेज में आप ना एग्जाम दे रहे हो ना आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सर्कमस्टेंसेज आप थ्योरी में गुजार आए हो, वो पास करके आए हो, यू नो दैट ऑल के कैरियोटाइपिंग हो रही है नहीं हो रही है, किसमें जरूरत है किसमें नहीं जरूरत है. अब आपने उस प्रैक्टिकली मैनेज करना है वार्ड्स में कितने पेशेंट्स का एनोमलस बेबी में एमनियोसिंथेसिस हो रहा है मुझे बता दो. किसी ने देखा है आज तक तो बता दो. नहीं होता, ठीक है. सो ऐसी बातें ना करो जो नहीं हो रही. और इसकी बहुत अच्छी लॉजिक है, अभी वो हम मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसमें और क्लियर होगा. इसलिए सो दिस इज अ वेरी इजी सिनेरियो. 20 वीक मारिया बता दो, 20 वीक्स पे हाइड्रोकेफलस कंफर्म हो गया, दो अल्ट्रासाउंड पे मैनेज कर लो. मैम आई वुड लाइक बिफोर मैनेजमेंट आई वुड अल्ट्रासाउंड पे कोई और एनोमली नहीं है बेबी की. Yes, ma'am. Before that, I would like to know the size of the ventricles and the cortical thickness. Mentioned nahi hai. Cortical thickness uski hai 12 mm. Okay, ma'am. And ventricle? Nahi mentioned. Okay. Kahan mentioned hota hai? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kya keh rahi? Kahan mentioned? Hello? Nahi mentioned ventricles ka. नहीं आवाज आ रही मैम, वो बीच हेलो नेट का मसला होगा मैम. सॉरी फिर से रिपीट कर दे. कितने हाँ बता मैम. 10-12 है मैम. कॉर्टिकल थिकनेस है, वेंट्रिकल्स नहीं मेंशनड. For the measurement of ventricles, I will repeat the ultrasound scan from a good ultrasonologist to quantify the hydrocalf into mild, moderate, or severe, and after that, I will counsel the patient, but following the steps of breaking bad news, and I will ask her to bring her partner in or any other reliable person. Then I will tell her about the ultrasound findings that according to the ultrasound, she is having hydrocalf that is increased water in the baby head that can have multiple implications. It can become more severe, or it can in certain cases it can stay the same or spontaneously resolve if mild. I will then counsel her that we will involve multidisciplinary team in which I will involve a neurosurgeon who will help me in the management of this pregnancy. I will tell the patient that as her cortical thickness of the baby is good, the prognosis is better. But we will monitor the pregnancy till term. At this point,
we will observe the baby, and we by doing 2 to 4 weekly scans to see the progress of the hypoxia. Ek minute, sorry. ठीक है, कोई और बताए? मैं इसलिए बीच बीच में रोक रही हूँ, मेरी बैटरी एकदम से लैपटॉप की बंद ना हो जाए. सो आई वांट, ठीक है, मारिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाके कोई और बताए. मैडम इन्हें ये बताएंगे ना पेशेंट को केन की अगर माइल्ड थिकनेस है. ऐसे बताओ जैसे एग्जाम में बताना है, इंग्लिश में बोलो. मैडम मैं बताऊं? गुड. नहीं, मैविश का जो पॉइंट है, मैविश अच्छा बताओ जो पॉइंट था आपका. Yes, ma'am. We will counsel the patient regarding regarding the diagnosis that she is having a hydrocephalus, mild hydrocephalus, and it is and its prognosis is very good with the ventricular peritoneal shunting after the delivery. So we will involve the neuros. समझ आ गई. मारिया वाला ही point of view है. जवेरिया क्या रही है हाल में? Yes, ma'am. First of all, I will counsel the patient regarding the diagnosis that she has mild hydrocephalus and it's prognosis and implication of pregnancy, then I will involve multidisciplinary team approach that is fetal maternal unit with me, and I will do 2 weekly scan of the patient, and if at any point it increases in size, then the fetal maternal unit can decide for intraperitoneal or intra ventricular shunting in the utero or after when the baby is born. Depends on the situation. Achha, mujhe ek cheez batao. Maybe I am saying or I may be wrong. क्या आप लोगों ने माइल्ड मॉडरेट सीवियर हाइड्रोकेफ कहाँ से पढ़ा है? टेल मी रेफरेंस विद द मैनेजमेंट जो आपको हाइड्रोकेफलस में माइल्ड मॉडरेट सीवियर मिला. आई मे हैव मिस्ड दैट थिंग. मुझे हाई रिस्क में नहीं मिला. मैम शायद शायद इसके बारे में लिखा है. मैम जो ऑथेंटिक रेफरेंस बताओ ना. तो कुछ मैम ड्यूहर्ट्स पे तो सिर्फ और बच्चे ऑथेंटिक रेफरेंस बताओ. हाई रिस्क ड्यूहर्ट्स में भी है. ड्यूहर्ट्स की गाइडलाइन क्या है? माइल्ड मॉडरेट सीवियर मैनेजमेंट. गुड. और इसके अंदर जेस्टेशन के साथ उन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है? पेशेंट के साथ नहीं मेंशन किया है. 10 to 12 इज माइल्ड, 12 to 15 इज मॉडरेट, एंड मोर देन 14 इज सीवियर, राइट? एंड दिस इज फॉर द कॉर्टिकल थिकनेस और एट्रियल लेंथ और व्हाट? एट्रियल विड्थ, एट्रियल विड्थ. ठीक है, ये चीजें प्लीज अपनी क्लियर करो. इट्स नॉट द कॉर्टिकल थिकनेस नंबर 1. मैम डू यू हैव सिर्फ ये लिखा है कि जो कॉर्टिकल थिकनेस इफ इट इज मोर देन 15 एमएम सो देन दिस इज सीवियर. उन्होंने माइल्ड और मॉडरेट को नहीं चेक किया. राइट. और जेस्टेशन के साथ मेंशन नहीं किया. नहीं मैम, ये तो वेंट्रिकल साइज के लिए बहुत गलत कॉन्सेप्ट है. मैं बता दूं बिकॉज मैंने अभी तक जितना मैंने अगर हाई रिस्क में तो ये भी नहीं मेंशनड. अगर आप देखो हाई रिस्क में बहुत डिटेल में फीटल एनोमलीज है. हाई रिस्क के अंदर माइल्ड मॉडरेट सीवियर मेंशन नहीं है. अगर माइल्ड मॉडरेट सीवियर है आइदर इट्स विद द कॉर्टिकल थिकनेस और विद द एट्रियल लेंथ. ये नंबर 2. अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाह रहे हो कि ये कौन सा टाइप ऑफ हाइड्रोकेफलस है तो जो मेंशनड है वो इसकी एटियोलॉजी है. यानी कि इज इट्स एन ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप या मोर प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ है या लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ है. ये 3 तरह के. इसमें फिर भी बात हुई हुई है. इतना कॉन्फिडेंटली डिफाइन कर देना कि इट इज द कॉर्टिकल थिकनेस इज 12 mm, इट हैज गॉट वेरी गुड प्रोग्नोस. पेशेंट आपके पास हाइड्रोकेफ का एक नॉर्मल स्कैन लेके आई है. हाउ एट 20 वीक्स एंड यू आर सेइंग इट हैज गॉट गुड प्रोग्नोसिस. आप मुझे ये बताओ आपके पास ओपीडी में बैठे होते हो 20 वीक्स पर हाइड्रोकेफलस का स्कैन आता है. टेल मी इवन अ सिंगल पेशेंट जिसको आप टर्म तक लेके गए, बता दो मुझे किसी ने. हम इतने सारे माशाल्लाह बैठे हुए हैं, वी आर 85 सिटिंग हियर, और हम सब ने कम से कम 4 साल की ट्रेनिंग, 5-6-8 साल का हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है इन ऑब्स्टेट्रिक्स एट लीस्ट. उससे ज्यादा तो इंशाल्लाह हो है होगा ही सबका. मुझे एक पेशेंट बता दो 20 वीक स्कैन हाइड्रोकेफलस आपके सामने रिपोर्ट. एग्जाम में ऐसा मरीज कैसे आ गया कि 20 वीक्स पे वो हाइड्रोकेफलस का स्कैन लेके आई है और आप उसको ये काउंसिल कर रहे हो गुड प्रोग्नोसिस? मतलब सीरियसली ये थोड़ी सी हिल जाने वाली बात है. ये ऐसे नहीं है. एक आसान तरीका हाइड्रोकेफलस के केस में तो ये कि जितना अर्ली डायग्नोज होगा उतना बुरा प्रोग्नोसिस है. सबसे पहली तो स्टेटमेंट ही ये है. अगर वो 20 वीक्स पे डायग्नोज हो रहे जी, अगर तो वो 20 वीक
पे डायग्नोज हो रहा है तो मोर देन 99% चांस शी विल एंड अप इन टीओपी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। आप सब करते हो यार, हम सब करते हैं। इस पेशेंट को आप 2 वीकली 3 वीकली 4 वीकली स्कैन करा करा के देखे जा रहे हो। अच्छा जी 12 mm से थिकनेस हो गई है, अब 8 mm, कोई बात नहीं, 10 से 2 mm ही कम है, लेट्स कंटिन्यू और वॉट एवर। वॉट आर यू, आई मीन लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। कहीं पे भी मुझे तो नहीं मिली, अगर किसी को ऑथेंटिक जगह मिले कि थिकनेस के हिसाब से मैनेजमेंट हो रही है तो वो मुझे प्लीज सेंड करें, वी कैन चेंज। लेकिन अभी तक जितनी मैंने चीजें, बल्कि क्लास से पहले मैंने दोबारा देखने की कोशिश की कि कोई यू नो लेटेस्ट आ जाती है, कोई रिसेंट एडवांसेस, शायद आप भी गई हो, अगर किसी को मिले भी कि कोई कैटेगराइजेशन के मुताबिक। मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत आसान, जितना अर्ली डायग्नोसिस है उतना ही बुरा प्रोग्नोसिस है, उतना ही टीओपी की तरफ जाओ। इफ शी इज डायग्नोस एट 20 वीक्स, नंबर वन ऑप्शन कैन बी टीओपी। आप ऑफर कर सकते हो पेशेंट को, आपको 20, अभी तो 20 वीक्स और पड़े हैं हर टर्म तक जाने के लिए, मतलब इतना ही टाइम और है, और अभी से ही देर इज हाइड्रोकेफेलस इन अल्ट्रासाउंड। देर इज नो हार्म कि अगर आप थिकनेस मांग लो, एट्रियल लेंथ मांग लो, एटसेट्रा एटसेट्रा, चलो ठीक है, वो उसमें वो नहीं है। बाकी न्यूरोसर्जन का काम है देखना कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या मोर प्रोडक्शन वाला है या लेस अब्सॉर्प्शन वाला है या क्या है। लेकिन ये बातें भी जाके शायद आए 28 या 32 वीक्स पे, जब फिर भी थोड़ा सा प्रोग्नोसिस नजर आ रहा। 20 वीक्स पे ऑफर टीओपी, नंबर वन, देर आर वेरी लेस चांसेस दैट बेबी विल सर्वाइव। दो तीन चीजें जब आप काउंसलिंग करो, मैं जल्दी से बता देती हूँ, मेरे मुझे तो बैटरी की थोड़ी टेंशन लगी हुई है लैपटॉप की। दो तीन चीजें थोड़ी मैं आपको क्विकली बताती हूँ। एनी एनोमलस बेबी, जैसे मैंने कहा था, इफ यू नो पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट इन एन एनोमलस बेबी, आप इजीली उस चीज को, कि कोई भी एनोमली आएगी आप उसको लेके चल सकते हो। 4 या 5 चीजें आपने जरूर देखनी है, कौन सी जेस्टेशनल एज पे डायग्नोज हुई है, नंबर वन। नंबर टू, आइसोलेटेड एनोमली है या मल्टीपल एनोमलीज है। नंबर थ्री, डू यू हैव अरेंजमेंट ऑफ कैरियोटाइपिंग, ठीक है, इफ नॉट तो क्या कैरियोटाइपिंग पहले से अवेलेबल है, इफ नॉट तो क्या अरेंजमेंट है कराने की। नंबर फोर, पेरेंट्स की विश क्या है, डिस्पाइट एनी एनोमली यू मे फाइंड अ कपल वुड से कि वी हैव अ बिलीव दैट वी डोंट वांट टू डू टर्मिनेशन कम व्हाट में, चाहे जो मर्जी हो, यू नो डाउन सिंड्रोम डायग्नोस्ड है, दे से वी वॉन्ट टू कंटिन्यू, यू हैव टोल्ड देम पुअर प्रोग्नोसिस, इन एनी केस दिस या वी वांट टू कंटिन्यू, तो बात तो वही खत्म। सो पेरेंट्स विश भी। नंबर 5, एडेड इन्फेक्शन। ये 5 चीजें हैं जिसपे आपकी पूरी मैनेजमेंट घूमनी है। इसमें नंबर 1 मैंने क्या बोला, जेस्टेशनल एज। जेस्टेशनल एज पे बहुत डिपेंड कर रहा है बेबी का प्रोग्नोसिस। हाइड्रोकेफेलस डायग्नोस एट 18 और 20 वीक्स और बिफोर 22 वीक्स हैज गॉट पुअर प्रोग्नोसिस, आप उसको नंबर 1 ऑप्शन टर्मिनेशन दो। बेशक आप कहो कि दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, इफ इट हैज अपीयर्ड एट 20 वीक्स दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, चलो रीजन जो भी हमें मिली है, बट दिस इज गोइंग टू इंक्रीज नाउ। मैं 2 हफ्ते बाद स्कैन कराऊंगी, 4 हफ्ते बाद कराऊंगी, वी विल गो फॉर टर्मिनेशन, सो लेट्स गो फॉर टर्मिनेशन नाउ। बट अगेन उसके साथ क्या चीज आ गई, पेरेंट्स विश बहुत जरूरी आ गई। अगर यही पेशेंट आता आपका 28 वीक्स पे, तब हम फिर भी बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकते थे, वी वुड हैव नीडेड अ न्यूरोसर्जन आल्सो एटसेट्रा एटसेट्रा, हमें पीडियाट्रिशियन न्यूरोटोलॉजिस्ट पहले फिर न्यूरोसर्जन वो चाहिए, उसमें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कैरियोटाइपिंग एंड द आइसोलेटेड एनोमली और नॉट। डोंट गो फॉर कैरियोटाइपिंग मच, हमारे मुल्क में इस तरह नहीं होता कि हम एम्यूसिन डिजीज करके कैरियोटाइपिंग भेज दें। हाउएवर यस, पेरेंट्स विश की बहुत डिटेल में बात करनी है, जेस्टेशन एज की तो बात कर ली, एंड देन द आइसोलेटेड एनोमली और नॉट। अगर ये आइसोलेटेड एनोमली है 28 वीक्स या 30 वीक्स पे आया है तो वायबिलिटी है। उसमें अगर सीम्स लाइक के कॉर्टिकल थिकनेस अच्छी है या ब्रेन टिश्यूज का कंजर्वड है और एंड न्यूरोसर्जन इज सेइंग दैट ही कैन टेक केयर ऑफ द बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो आप उसको एज फिर भी मिड लाइन प्रोग्नोसिस लेके चल सकते हो। इवन देन बेबी इज गोइंग टू बी बॉर्न विद हाइड्रोकेफेलस इज नॉट नॉर्मल, गुड प्रोग्नोसिस की तो हम क्या बात कर सकते हैं, उसका उसके अंदर कुछ ना कुछ तो उसको, वी हैव टू टेल द पेशेंट दैट देर मे बी सम ब्रेन डैमेज दैट कुड हैव अकर्ड, देर मे इवन बी अदर एनोमलीज प्रेजेंट जो अल्ट्रासाउंड पे नहीं भी मिली एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसके अंदर यार इन्फेक्शन है बड़ी सारी, साइटोमेगैलो वायरस से लेके तो पता नहीं
इतनी इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, अभी ऐसी बात ना इस टाइम कुछ. सो वो सो मैं ये बात करी थी कि हम इसको 28 और 30 वीक्स पे फिर वी कैन डू द सीरियल अल्ट्रासाउंड एंड सी, एंड द मोमेंट वी फाइंड आउट के फॉर एग्जांपल 30 या 32 वीक्स पे जाके हाइड्रोकेफलस बढ़ है तो 32 वीक्स पे गिविंग बर्थ टू अ बेबी इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल देन कीपिंग बेबी इन साइड द यूट्रस, तो फिर वील गो फॉर द बर्थ ऑफ द बेबी मे बी थ्रू सीजेरियन सेक्शन. सिमिलरली इफ यू गेट अ हाइड्रोकेफेलिक बेबी जो कि मे बी 32 या 34 वीक्स पे है, बट वो पेशेंट लेके आई है स्कैन एंड हाइड्रोकेफलस and it's so massive hydrocephalus with the very less brain tissue left or yeah more than one anomaly present, so there is no point in doing cesarean section, especially if it is cephalic. Phir aap iski cephalosynthesis karke normal delivery ka karoge to mode of delivery pe bhi is tarike se baat ho sakti hai. So hydrocephalus mein kya kya cheeze humne important dekhi in gestational age, kya hai earlier diagnosis bana poorer the prognosis is, right? To सिनेरियो तो मैंने बहुत ही आसान बना दिया कि 20 वीक्स पे तो कोई बात ही नहीं रही, तो 20 वीक्स पे आपको आगे लेके जाने मैं बताती हूँ, ठीक है. सो मैम आवाज क्लियर नहीं है, मैम आवाज नहीं आ रही. हाँ अब आ रही है आवाज, आई थिंक कोई प्रॉब्लम हुई है कनेक्शन में. ठीक है अब आप अब यो अब इज इट बेटर नाउ? यस मैम. ठीक है हमारा क्वेश्चन जी, कोई क्वेश्चन मैडम, अगर हम लाइक अब जब हम किसी सीनियर को कहते हैं कि हम टर्मिनेशन करेंगे तो वो हम कहते क्यों होगा, तुम इतनी जल्दी टर्मिनेशन करोगी? तुमने तो पेशेंट को काउंसिल किया, आपने इसी तरीके से को मैंने कहा ऑफर करो नंबर वन पे टर्मिनेशन. आप उसे यूं कहोगे कि आई विल काउंसिल द कपल दैट दिस इज द डायग्नोसिस गिवन ऑन अल्ट्रासाउंड अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड. फॉर एग्जांपल अगर जो माइल्ड को आप कैटेगराइज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड इट इज येट अ माइल्ड एनोमली एंड बट द ब्रेन टिश्यू इज गेटिंग अफेक्टेड, द कॉर्टिकल थिकनेस इज गेटिंग लोअर बट स्टिल इट हैज अफेक्टेड इट इन अ माइल्डर वे, ठीक है. बट एट द सेम टाइम बेबी इज एट 20 वीक्स. Etiology is inside the patient, which is causing hydrocephalus. This etiology is going to increase and the hydrocephalus is going to increase. There are yet 20 more weeks to go for the pregnancy, or at least 12 or 14 more weeks for the viability of the baby. There are very high chances that hydrocephalus is going to worsen, number one. Number two, there are very high chances that there may be other anomalies present as well in the fetus. Number three, she's at 20 weeks yet. Termination is going to be easier. Giving birth to a baby will be easier for the patient. आप उसे इंड्यूस कर सकते हो, इजिली वो टर्मिनेट हो सकती है. जितना बड़ा होता जाएगा फेलियर ऑफ इंडक्शन बढ़ता जाएगा, एक्सेप्ट के वो टर्म के पास ना है. सो माई नंबर वन ऑप्शन फॉर द पेशेंट विल बी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. डिस्पाइट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, इफ शी वॉन्ट्स to continue pregnancy, I will explain to her that there is very poor prognosis regarding this and if she wants to continue to phir ye aapne absolutely nahi keh diya ki aapne term, lekin termination is tarike se counsel kiya hai ki wo manegi termination even matlab ab aap ko doctor khud keh raha hai ki this is only at 20 weeks, ye kaise ho sakta hai ki hydrocephalus 20 weeks pe aapko mil रहे, वो आगे जाके वो ठीक ही रहे. इवन शंटिंग वगैरह भी जो काम आती है वो भी ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस राइट, जो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं थोड़ा सा उसकी एटियोलॉजी भी देख लेना. हाई रिस्क में के वो जो डक्ट्स होती हैं एक्वाडक्ट ऑफ सेल्विया एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो चलो जहां प्रोडक्शन और जहां एब्जॉर्प्शन का मसला आ रहा है उसमें तो शंटिंग भी चलो ठीक है, शंट डाल के उसका थोड़ा सा आप उसका वो कम करते जा रहे हो, बट इवन देन देर आर हाई चांसेस दैट बेबी इज गोइंग टू बी मेंटली रिटार्डेड और समथिंग. लेकिन चलो आप 28 वीक्स के बाद फिर भी इस चीज को कंसिडर कर सकते हो. Before 28 weeks, even 24 weeks पे भी midline है, वहां पे आप कह सकते हो कि it is very early detection of this problem, तो हम इसको offer कर सकते हैं even termination, और we can offer कि अगर continue भी करना है तो 2 weekly scan से हम कर लेंगे. किसी ने काफी लंबा scenario दिया है, gravida पता नहीं, sorry, I don't know.
यार ये जुबानी पूछ लो ना आप लोग, तार के सब सुन भी लें। नाम नहीं लिखा, कॉज ऑफ आई यू डी नॉट नो ना यार, ये यू हैव टू आस्क। इस तरीके से नहीं वो पढ़ा जा रहा सिनेरियो, ठीक है। सो ये इस तरह से सिमिलरली अदर एनोमलीज, आप देखोगे व्हाट इज द एटियोलॉजी बिहाइंड, व्हाट इज द हाउ मच फ्लूइड इज इनसाइड द ब्रेन, वॉट इज एग्जैक्टली इट्स द डायमीटर, उसमें हेड के डायमीटर से काफ़ी आइडिया हो जाता है। एंड देन येस द ब्रेन टिश्यू जो हुआ है उसमें प्रोग्नोसिस आप डिफाइन करोगे विद न्यूरोनेटोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन, और उसके अंदर अगर आपको बेहतर प्रोग्नोसिस मिलता है गो फॉर द सिजेरियन सेक्शन, अगर आपको पुअर प्रोग्नोसिस मिलता है तो किफेलोसिंथेसिस एंड नॉर्मल डिलीवरी। किफेलोसिंथेसिस कैन बी डन वजाइनली, थोड़ा सा डायलेट होता है आप वजाइनली कर लो, इवन फॉर डायलेटेशन पे वजाइनली हमारे लोग पे ये और इतना आसान काम थोड़ी होगा। एग्जाम में होगा जहाँ आपने आगे लेके जाना है, या तो वो 20 वीक्स पे होगा, मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी इजी सिनेरियो। 20 वीक्स पे आपको क्लैरिटी है कि आप क्या करने वाले। मैम माइल्ड पे ऑब्वियसली यार कॉमन सेंस 20। हां मारिया माइल्ड पे सिजेरियन करेंगे वो तो हम उसका बीपीडी देखेंगे, अगर मोर देन 9.5 है तब सिजेरियन नहीं करेंगे। माइल्ड के अंदर मोर देन 9.5 ही होगा। सेकंडली कॉम्प्रोमाइज्ड बेबी है, माइल्ड के अंदर नंबर वन ऑप्शन इज बेटर अ सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि वो हेड उसका ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है। नॉर्मल डायमीटर इज गोइंग टू बी लेस देन 9.5 माइल्ड। सेकेंडली माइल्ड हम अपने हिसाब से कह रहे हैं, हर जगह आपको माइल्ड मॉडरेट सेवेयर की कैटेगराइजेशन नहीं मिलती हाइड्रोकेफेलस में, वरना आपको हर किताब में टेबल बना हुआ मिलता कि माइल्ड है ये डेफिनेशन है, ये डायग्नोसिस है, ये मैनेजमेंट है, कंटिन्यू प्रेगनेंसी और नॉट, इतने परसेंट सर्वाइवल और इतना बेहतर प्रोग्नोसिस। ये सिर्फ ड्यू हर्ट्स में हल्का सा मेंशन किया हुआ है अगर कि ये है, वरना आपको हाइड्रोकेफेलस में जेस्टेशनल एज इज इंपॉर्टेंट, और इफ द जेस्टेशनल एज इज अबव द वायबिलिटी स्टेज में भी 28 वीक से ज्यादा है तो आप उसका न्यूरोसर्जन और उसके क्या कहते हैं पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके प्रोग्नोसिस डिफाइन करते हो, एंड इफ प्रोग्नोसिस इज बेटर देन यू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। एंड इफ यू गेट द सेम सिनेरियो एट टर्म हाइड्रोकेफेलस में after ruling out other anomalies IUGR etc it's better that you offer, because hydrocephalus mein diameter is definitely going to be more, to aap uska phir cesarean section kar doge. You can see yes agar diameter agar wo itna mild aa raha hai ki diameter ka hai to aap uska normal delivery ka bhi dekh sakte ho, but again uske andar aap use counsel kar sakte ho ki prolonged second stage obstructive labor mein you can see ki aage kya karna hai. However hydrocephalus hai, easier thing is to stay safe, go for the cesarean section, and if poor prognosis you can go for the normal, you should go for the normal delivery. uske ke agar aur koi contraindication nahi hai for the normal delivery phir aap uska dilate hoke vaginally bhi kephalosynthesis kar sakte ho, even ultrasound guided abdominal kephalosynthesis bhi kar sakte ho, jisme jo ki ek destructive procedure hai collapse karke skull ko, and then easily aap normal delivery uske kar dete ho. battery kam hona shuru ho gayi hai ekdam se bandh ho. so bar bar bataungi in to summarize, जो एनोमलस बेबीज हैं उसके अंदर जेस्टेशनल एज, देन आइसोलेटेड और मल्टीपल एनोमलीज, नंबर थ्री उसकी कैरियोटाइपिंग, नंबर फोर फैमिली या पेरेंट्स की विश, और नंबर फाइव टू रूल आउट एन इन्फेक्शन. ये पांच चीजों को ही लेके आपने उसका मैनेजमेंट करनी है. आप इन्हीं पांच चीजों के मुताबिक उसकी काउंसलिंग कर सकते हो कि नंबर वन पे डायग्नोसिस आपने बताया, prognosis if you know exactly, if not if you need to involve a multidisciplinary team. prognosis 20 weeks pe to hum khud se bhi keh sakte hain ki 20 weeks pe agar hydrocephalus aa gaya to kya ho sakta hai. isi tarah heart diseases are many. heart diseases ka thoda sa different scenario hota hai. heart diseases mein excuse me ek to normal delivery ho jati hai baby ki, number 2 bahut sari heart diseases
बर्थ के बाद ट्रीटेबल होती हैं, अब तो बहुत सारी एक्चुअली ट्रीटेबल हैं, सो आपको कार्डियक सर्जन को इन्वॉल्व करना है, थ्रू आउट एको सीरियल एकोस करनी होती है फीटस की, और बर्थ इन अ स्पेशल टर्शरी केयर सेटअप जहां पर कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट एज वेल एज कार्डियक सर्जन इज प्रेजेंट ताकि दे कैन टेक केयर ऑफ द बेबी. सो और एंड यस उसके बाद आपको उसकी कुछ तो बिल्कुल ही इस तरह की नॉर्मलीज होती हैं जैसे इवन अब तो वो भी वैसे लेटर ऑन दे कैन बी टेकन केयर ऑफ, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है और वो भी बाद में उसकी सर्जिकल रिपेयर हो जाती है, बट देन सिंगल लार्ज ब्लड वेसल में बी देयर, वो थोड़ी सी ज़्यादा साइनोटिक यानी कि ओनली वन एओटा इज देयर विच इज कमिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, बोथ द वेंट्रिकल्स एट द सेम टाइम ओवर राइडिंग with the associated other cardiac anomalies. So, लेकिन you need to involve a cardiac surgeon. अगर वो उसमें फिर अगर early gestation भी है तो you can continue with the serial cardiac echo, cardiac echoes, fetal echoes. लेकिन hydrocephalus के अंदर and then again there are other neural tube defects. उसमें अच्छा स्पाइना बायफिडा के अंदर वी मोस्टली हैव अ बेटर प्रोग्नोसिस, इसके अंदर परसेंटेज थोड़ी सी पता देख भी लेना, अराउंड लाइक 75% और मोर देन हैव गॉट गुड प्रोग्नोसिस एंड दे गो टू टर्म वेरी इजीली और आफ्टर बर्थ दे गॉट वेरी गुड प्रोग्नोसिस. तो स्पाइना बायफिडा में आपको एग्जैक्टली दो तीन चीजें, यस इफ द ब्रेन इज गोइंग इन टू द प्रोट्रूडिंग सैक और नॉट, वो थोड़ा सा रूल आउट हो जाता है, देन द लेवल ऑफ द स्पाइना बायफिडा इज इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर आई क्यू लेवल वगैरह ठीक होता है बेबी का, एंड ऑब्वियसली द आइसोलेटेड एनोमली और इट हैज इट इज एसोसिएटेड विद, अगर हाइड्रोकेफल स्पाइना बायफिडा है तो फिर वो चीज ऑब्वियसली विल गो फॉर द टर्मिनेशन, बट हाउएवर अगर स्पाइना बायफिडा आइसोलेटेड है तो उसके अंदर एक तो लेवल कौन से लेवल पे है, क्योंकि अगर वो एक ऐसे स्पेसिफिक लेवल पे एट टाइम्स इफ अ बेबी इज बॉर्न दैट बेबी मे हैव यूरिनरी प्रॉब्लम्स लोअर लिम प्रॉब्लम्स कि कौन सी नर्व्स उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, बट अगेन इट्स नॉट लाइक अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग एट टाइम्स, वो भी बाद में ट्रीटेबल हो सकता है. सो स्पाइना बायफिडा का थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम सो हाइड्रोकेफेलस का, सबसे ज्यादा तो मैटर कर रहा है कि किस जेस्टेशनल एज पे डायग्नोज हो रहा है, और उसके अलावा और कौन सी एनोमलीज आप देख सकते हो एग्जाम में. मैडम स्पाइना बायफिडा विद मेनिंगोसील या मेनिंगोमाइलोसील है उसको फिर हम टर्मिनेट करेंगे. हाँ ये अच्छा सवाल है, लेकिन ये भी अब लेटर ऑन ट्रीटेबल है, सो यू नीड टू डिस्कस इट विद द न्यूरो सर्जन अगेन. डायरेक्ट टर्मिनेशन आई डोंट थिंक कहीं पे भी लिखी हुई है कि मेनिंगोसील या मेनिंगोमाइलोसील है, बट यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन पुअर प्रोग्नोसिस टू द पेशेंट के बिकॉज ब्रेन इन्वॉल्वमेंट एंड अगेन द जेस्टेशनल एज एट विच इट प्रेजेंट्स मैटर एंड द साइज ऑफ द सैक भी एट टाइम्स आपको मैटर कर रहा होता है, बट इफ अ लार्जर अमाउंट ऑफ ब्रेन टिश्यू हैज प्रोट्रूडेड इनटू द प्रोट्रूडिंग सैक तो फिर उसकी तो उसके अंदर पुअर प्रोग्नोसिस आ जाता है उसके अंदर आप. लेकिन इवन देन जैसे मैंने हाइड्रोकेफेलस में कहा कि अर्ली डायग्नोसिस में तो आप बिफोर इन्वॉल्विंग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यू कैन इवन गो फॉर डिटर्मिनेशन बिकॉज यू नो इट्स गोइंग टू इंक्रीज. स्पाइना बायफिडा के अंदर यू कैन इन्वॉल्व द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एंड ऑल, बट इफ यू गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रेन टिश्यू प्रोट्रूडिंग इनटू द सैक विच इज अ वेरी वेरी रेयर थिंग टू हैपन, इवन मेनिंगो माइलोसील मिलना ही बहुत रेयर का चीज है, तो दैट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड अ ट्रिकी थिंग, वो फिर आपको न्यूरो फिजिशियन को इन्वॉल्व करके फाइनल करना होता है. नॉर्मली में जब हम वजाइनल डिलीवरी करेंगे तो हम उसकी पेशेंट की सीटीजी की फाइंडिंग्स को वैल्यू देंगे. यस उसमें कंटीन्यूअस मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन उसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है सब में. मतलब मैम कार्डियक एनोमली और दूसरी एनोमली एम पर वजाइनल डिलीवरी हम उसके लिए सिजेरियन करेंगे फिर इसका TOF का बेबी है, बेबी में TOF डायग्नोस लिखा नहीं हुआ डायरेक्ट सिजेरियन. नहीं मैम अगर सीटीजी अब नॉर्मल आ जाती है ड्यूरिंग लेबर तो फिर वी विल गो फॉर किसी की भी आएगी तो आप करोगे. अच्छा मैम मैं एक क्वेश्चन आपसे कर रही हूं कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक एनोमली है जिसका मतलब मुझे जरा आइडिया ना हो कि इसकी रिकरेंस की है इसका इलाज पता नहीं. अच्छा और इसको सेफ्टी कैसे लेकर चले वो भी बड़ी कंफ्यूजिंग है. बोन्स एनोमलीज एटसेट्रा एटसेट्रा पर हम ये कहे कि हम और तो मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन को इन्वॉल्व करेंगे पीडियाट्रिशियंस को इन्वॉल्व करेंगे. हां लेकिन उसका थोड़ा सा हाई कैसे जाए मतलब मैं ये कह रही हूं कि फॉर एग्जांपल हम उस सिनेरियो के बारे में ना पता
मैम की चार्जिंग खत्म हो गई शायद। मैम दोबारा आएंगे और शुड वी लीव द क्लास? यार मैडम ने उसका क्या जवाब दिया कि इन यूट्रो जो है हाइड्रोकेफ की ट्रीटमेंट एग्जाम में बताएंगे या नहीं, इस सवाल का क्या जवाब दिया? यार मैम ने कहा कि आप लोगों ने इसको इस तरह नहीं कैटेगराइज करना कि माइल्ड है, मॉडरेट है और सेवेयर है, क्योंकि ये कहीं इस तरह नहीं लिखा गया। क्योंकि अगर 20 वीक्स में वो माइल्ड आ रही है तो फिर मतलब नेक्स्ट 20 वीक्स में मतलब इस फीटस की कुछ और ही हाल हो जाएगी, इसलिए यू हैव टू ऑफर द पेशेंट टीओपी और कंटिन्यूएशन। ये दोनों को तुम लोगों ने मतलब टीओपी पे ज्यादा वो करना है, जिस तरह शायद घटक पे है ना कि माइल्ड इट्स अ गुड प्रोग्नोसिस, ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि 20 वीक्स है अभी उसका माइल्ड है, अब 20 हफ्ते में उसका तो बुरा हाल होना है। इसलिए यानी कितने वीक्स तक हम लाइक टर्मिनेशन ऑफर करते हैं? लाइक 30 वीक्स? मैम ने कहा कि